आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे upwork.com के अबाउट कि upwork.com क्या है और किस तरह से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे upwork.com के अबाउट कि upwork.com क्या है और किस तरह से काम करता है। upwork.com भी बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिफरेंट बायर्स आते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं और एज अ सेलर आप उन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं। जो भी बायर आपको रिस्पॉन्स करेगा आप उसके लिए काम करेंगे और उससे पेमेंट लेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें, मैं ऑलरेडी, मेरी प्रोफाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास डिफरेंट लोगों ने जॉब पोस्ट की हुई है। लेट्स से मैं आपको एक जॉब दिखा देता हूँ। तो सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस, मतलब मुझे चाहिए, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे के देना चाह रहा हूँ, ये वर्डप्रेस की जो जॉब्स हैं उन पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वेबसाइट्स, यहाँ पे देखिए, रिसर्च कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर वर्डप्रेस, सर्च इंजन वेबसाइट इंडेक्सिंग। मैं एक्चुअली ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें, आई नीड अ फिगमा डिज़ाइनर टू डिज़ाइन। अच्छा, ये फिगमा डिज़ाइनर, बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब ये $200 पे कर रहा है ये क्लाइंट, और ये कह रहा है कि बिल्ड अ मॉडर्न यूआई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विच विल हैव अ स्टेटिक एज वेल एज डायनेमिक कॉन्टेंट, यूज़र साइनअप एंड लॉगिन। मैंने आपको बताया था प्लगइन कौन सा यूज़ करना है। मैनेज क्लाइंट्स प्रोफाइल, ये भी उसी प्लगइन के अंदर अवेलेबल था, ये भी उसी प्लगइन के अंदर अवेलेबल था। डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स, ये भी उसी प्लगइन के अंदर अवेलेबल था। तो ये सारी चीज़ें देखें, $200 के अंदर आप ये ईजिली वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट लोग जो है वो जॉब्स पोस्ट करते हैं, आपको उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना होता है ताकि आप उन जॉब्स पे वो जॉब्स ले सकें और उनके ऊपर काम कर सकें। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, upwork.com के ऊपर आएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, upwork.com के ऊपर आएंगे और सिंपल यहाँ पे सिंपल साइनअप पे क्लिक करेंगे, अपना कंप्लीट डाटा देंगे, आई एम अ फ्रीलांसिंग लुकिंग फॉर वर्क, और यहाँ पे अपने जो है नए नेम, ईमेल, पासवर्ड और सारी चीज़ें फिल करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा और उसके बाद आपको जॉब शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको जॉब से अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट, जिनके मतलब आपको $12 के अंदर 80 कनेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं, और हर जॉब पे अप्लाई करने के लिए डिफरेंट कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, राइट, $12 के अंदर 80 कनेक्ट्स मिलते हैं। जबकि फाइवर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं पे करना पड़ रहा क्लाइंट से बात करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट जॉब्स पे डिफरेंट कनेक्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। सॉरी, जैसे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए 6 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो जब आपके कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, मेरे पास 91 कनेक्ट्स राइट नाउ अवेलेबल है, तो जब आपके पास कनेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं फिर आप अपना कार्ड लगाते हैं और नया कनेक्ट्स बाय करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा है आपका। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि upwork.com किस तरह से काम कर सकता है और आप किस तरह से यहाँ पे आके अपना जो है वो स्किल सेल आउट कर सकते हैं, स्किल की सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।